सबको नमस्कार, प्रणाम। मंच पे विराजमान श्री बंधारू दत्तात्रेय गारू, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा, ही इज द स्पिरिट एंड द एनर्जी बिहाइंड दिस बिग फेस्टिवल दैट आई एम सीइंग अलाई बलाई। सीसीएस विजय शंकर गारू, ऑनरेबल गवर्नर मेघालय, श्री हरिभाव किशन राव बागदे गारू, ऑनरेबल गवर्नर राजस्थान, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गारू, ऑनरेबल गवर्नर उत्तराखंड, श्री गदम प्रसाद कुमार गारू, ऑनरेबल स्पीकर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली, श्री गुट्टा सुकेंदर रेड्डी गारू, ऑनरेबल चेयरमैन तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल, श्री जी किशन रेड्डी गारू, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The festive euphoria that surrounds us is truly inspiring, reflecting the enduring spirit of togetherness and joy that defines Indian festivals. Indian festivals are not only merely celebrations, they embody lofty ideals of unity, integrity and harmony among people. In India, festivals and social cohesion share a deep and inseparable bond, forming a symbiosis that brings communities together in celebration of our values. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अलाई बलाई में आ सका। मुझे आमंत्रित किया गया था, दत्तात्रेय जी ने आमंत्रित किया गया, तब मैं सोच रहा था अलाई बलाई क्या है, लेकिन आज आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्रामीण संस्कृति को हमने आज हाईलाइट किया एवं संस्कृति के द्वारा हम एकता के बात, हम यूनिटी की बात कर सकते हैं, वो दिखा दिया अलाई बलाई ने। सो इंग्लिश में बोले तो अलाई बलाई क्या है, हम ट्रांसलेट करें तो अलाई बलाई इज द एम्ब्रेस ऑफ यूनिटी। कैसे हम समाज को जोड़ सकते हैं, कैसे ग्रामीण संस्कृति को हम बढ़ा सकते हैं, ये है अलाई बलाई का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक, सबसे बड़ा काम। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आ रहा था ये स्टॉल में, गया हर एक स्टॉल में, मैं दत्तात्रेय जी हमारे साथ थे, उन्होंने समझाया कौन सा क्या है। मुझे आज पता चला जी हमारे तेलंगाना स्टेट कल्चर में कितना आगे है, कितना सुंदर है ग्रामीण संस्कृति तेलंगाना का। और मैं जहां से आता हूं, मेरा जो होम स्टेट है वो है त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में है, छोटा सा स्टेट है, और उसमें भी हम विजयादशमी मनाते हैं और दूसरे तरह का विजयादशमी मनाते हैं हम। ये पहले बार मैं आके देखा इतना बड़ा ढंग से, इतना बड़ा उपाय से हम विजयादशमी बना रहे एवं हर एक कल्चर को लेकर बना रहे, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब एक साथ हम मना रहे हैं विजयादशमी। कारण विजयादशमी हमारे संस्कृति के अमूल्य एक रत्न है, जो फेस्टिवल से हमको एक होना सिखाते हैं। सो दिस इज द फेस्टिवल ऑफ यूनिटी, ऑफ ब्रदरहुड, ऑफ वननेस, ऑफ केयरिंग, ऑफ शेयरिंग। एंड आई थैंक दत्तात्रेय जी, अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम एंड एक्सपीरियंस, अनुभवी नेता है, बहुत सीनियर नेता है, आज गवर्नर है हरियाणा के, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। वो इतना बड़ा रूप से, इतना सुंदर रूप से हम इधर अलाई बलाई मना रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि समाज एक साथ आके आपके संस्कृति का पालन कर रहा है। हमारा जैसे दायित्व है, परिवार के प्रति दायित्व है, समाज के प्रति दायित्व है, देश के प्रति दायित्व है, नेशन के प्रति दायित्व है, ऐसे हमारा सांस्कृतिक दायित्व भी है। हमारा सांस्कृतिक दायित्व है कि संस्कृति को सुरक्षित रखना और सुंदर कराना और मजबूत बनाना और दूसरे पीढ़ी को सौंप देना। वी मस्ट पास द टॉर्च ऑफ आवर कल्चर
to the future generations. I once again thank the organizers of Alai Balai, and I hope that this huge festival will become bigger and more effective in bringing unity, harmony and goodwill to all the people of Telangana. Jai Telangana, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you.